हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ प्लानिंग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को, प्लानिंग को। प्लान क्या होता है? प्लान मीन्स होता है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ जो कि फ्यूचर में हम करने वाले हैं, कोई भी ऑपरेशन जो फ्यूचर में परफॉर्म करने वाले हैं, उसके बारे में पहले से ही एक पूरा मॉड्यूल तैयार कर लेना कि पहले क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कहाँ पर होगा, किस किस चीज़ों की मदद से होगा, दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग। देखिए, वही बातों को मैंने अपनी इसी बातों को सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे डिफाइन करके लिखा है। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है, व्हेन, व्हाई, मतलब कब, कहाँ एंड व्हाई हुम इट इज़ टू बी डन, किसके द्वारा किया जाएगा, टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि संस्था के, हमारे इंस्टीट्यूट का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य है, यानी कि प्री डिटरमाइंड गोल है, उसे हम अचीव कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड क्या, प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या नेचर्स होते हैं, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी बोले तो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी मतलब होता है कि ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसका कुछ लक्ष्य होता है, जिसे हमें अचीव करना होता है। मतलब ऐसा तो होता नहीं हम बैठते और प्लानिंग करने लग जाते हैं, कुछ काम होता है उससे रिलेटेड प्लानिंग करते हैं, कि वेडिंग प्लानिंग या वेकेशन प्लानिंग, ठीक है, करियर प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, वॉट एवर, जो भी प्लानिंग, आप उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपका ऑब्जेक्ट होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, उसके लिए आप प्लान करते हैं। तो प्लान एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, ये इसकी सबसे पहला फीचर है। नेक्स्ट बात करें बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग यानी कि ये फ्यूचर पर बेस्ड होता है, फ्यूचर में जो भी आपको अनुमान लगाना है कि ऐसा हुआ तो हम ऐसा कर लेंगे, उस चीज टाइप की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, फोरकास्टिंग कहते हैं। मतलब ये कि टोटली जो है आपका फ्यूचर पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये फ्यूचर पर बेस्ड होता है, तो इसीलिए ये अनसर्टेन भी होता है, अनिश्चित होता है, क्योंकि फ्यूचर किसने देखा है, कब क्या हो जाए, तो इसलिए ये अनसर्टेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि ये एक मेंटल एक्टिविटी है। मेंटल एक्टिविटी क्यों? क्योंकि प्लानिंग में ऐसा तो होता नहीं कि हमने प्लान किया, डांस करने लग गए, प्लानिंग हो गई, हम जंप करने लग गए, प्लानिंग हो गई। प्लानिंग जो है, हम माइंड से थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, गहन करते हैं, उसे को हम क्या कहते हैं, अपना प्लानिंग कहते हैं। तो प्लानिंग एक मेंटल एक्टिविटी है जो दिमाग से किया जाता है, इसको आप इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी भी कह सकते हो, ठीक है। मेंटल बोले, इंटेलेक्चुअल बोले, सेम ही बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्लानिंग एक कंटिन्यूस एक्टिविटी। कंटिन्यूस क्यों? क्योंकि प्लानिंग बिजनेस के स्टार्ट होने से लेकर के बिजनेस के एंड होने तक हमेशा चलता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्लानिंग एक बार बस बिजनेस स्टार्ट करना था तो प्लान कर लिया और बात खत्म। नहीं, प्लान हमेशा होता है, पहले स्टार्ट करने के लिए, फिर बिजनेस चलाने के लिए, फिर लॉस को ओवरकम करने के लिए, फिर प्रॉफिट अर्न करने के लिए, फिर बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, फिर बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग से और उसके अलग अलग यूनिट्स बनाने के लिए, हमेशा वो चलता ही रहता है, ठीक है। फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, यानी कि बिजनेस के स्टार्टिंग से लेकर के बिजनेस के खत्म होने तक हमेशा चलते रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्सिबल। देखिए, प्लानिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए। पहली बात मैंने आपको बताया कि प्लान जो होता है ये फ्यूचर पर बेस्ड होता है, भविष्य पर। तो इसीलिए प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब चेंजेबल होना चाहिए। फ्यूचर में कुछ चीज़ें चेंज हो गई तो आपको उसके हिसाब से अपने प्लान में चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसलिए ये सारे जो हैं हमारे प्लानिंग की विशेषता हैं, ठीक है, फीचर्स हैं। बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस और नीड ऑफ प्लानिंग। ऐसी क्या जरूरतें आ गई कि हमें प्लानिंग करनी पड़ गई, ठीक है। मतलब क्या क्या उसके महत्व हैं, क्या क्या आपको इंपॉर्टेंस बोले, नीड बोले, एडवांटेजेस बोले, मेरिट्स बोले, यही बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखिए, ये चीज़ हमने मैनेजमेंट के एडवांटेज में भी सीखी थी कि क्या होता है कि सभी के पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हों पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो रिसोर्सेस अवेलेबल हो उसको अगर प्लान्ड वे में यूज़ किया जाए तो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, जिससे कि जो रिसोर्सेस हमारे पास नहीं भी हो उन रिसोर्सेज के बिना भी हम एक बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिड्यूस कॉस्ट। अगर आप कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं, कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं, 50 रुपये में जो चीज़ बिक रही है उसको 45 में मार्केट में अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? आपको एक अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जो हो रहा होगा, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, उन सभी को आपको काटना पड़ेगा, उनको अलग अलग करना पड़ेगा। तो वो भी एक अच्छी प्लानिंग से ही होता है। नेक्स्ट, प्रमोट्स एफिशिएंसी। आपके बिजनेस के वर्क में, आपके बिजनेस के ऑपरेशन में इफिशियंसी, यानी कि काम करने की क्षमता को बढ़ा देने वाले तत्व को भी हम प्लानिंग ही बोलेंगे। दैट मीन्स कि अगर आप अच्छी प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं उतने ही एफर्ट में आपको ज़्यादा रिजल्ट मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड
प्रमोट्स इफिशियंसी, ये भी हमारे प्लानिंग का ही एक इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं फैसिलिटेट कंट्रोल। देखिए आप अच्छी प्लानिंग करते हैं तो आपका कंट्रोल अपने आप अच्छा हो जाता है, ठीक है। आप सारी चीज़ें प्लान्ड वे में कर रहे हैं कि ये ऐसा वो वैसा, तो आपको फ्यूचर में जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो सारी चीज़ें अपने आप कंट्रोल्ड में होंगी, होता है ना। आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो सारी चीज़ें आपकी डिसिप्लिनड होती हैं, ठीक है। वहीं अगर होता है कि कुछ भी करे जा रहे हैं विदाउट प्लान, तो फिर जब कंट्रोल करने की बारी आएगी तो सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाएगी, ठीक है। सारी चीज़ें हॉचपॉच हो जाएगी, तो आपको उसको बैलेंस करने में, उसे कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। अब देखिए कोऑर्डिनेशन मतलब सभी लोगों के सामंजस्य से किसी काम को करना, इसके लिए भी एक अच्छी प्लानिंग ज़रूरी होती है। देखिए अगर मैंने ऐसा बोला कि सब लोगों को बॉस बना दिया, सब आपके हिसाब से काम करो, तो सब लोग क्या करेंगे, आपस में लड़ेंगे, मेरा प्लान मानो मेरा प्लान मानो। इससे अच्छा हमने बॉस सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप बनाया, एक बॉस है बाकी सब सबऑर्डिनेट हैं, उनके अंडर में काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो अब क्या होगा कि एक व्यक्ति जो ऑर्डर देगा उसी हिसाब से सभी लोगों को काम चल करना करते रहना होगा, तो सभी लोगों में एक सामंजस्य बना रहेगा, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, ठीक है। ये थे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की या लिमिटेशंस की, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लिमिटेशन बोले, डिसएडवांटेजेस बोले, आपको डीमेरिट्स बोले, वो यही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि प्लान आपको बताया फ्यूचर पर बेस्ड होता है, और क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है कब क्या हो जाए, इसलिए किसी भी प्लान की गारंटी नहीं होती कि ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाएगा या नहीं होगा। बात समझ रहे हैं आप, मतलब ये क्या है, फ्यूचर अनसर्टेनिटी होती है इसमें, कि क्या पता ये सक्सेसफुल हो भी जाए और हो सकता है ना भी हो, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड फ्यूचर अनसर्टेनिटी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, तो इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। प्लानिंग जो है एक टाइप से एक्सपेंसिव प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि एक अच्छे प्लान को बनाने के लिए हमें एक्सपर्ट की राय की ज़रूरत होती है। अब एक्सपर्ट आपको फ्री में तो राय देंगे नहीं, ठीक है, वो भी अपना कॉस्ट लेंगे, अपना चार्जेस लेंगे, प्रोफेशनल फीस लेंगे, ठीक है। तो विच मेक्स इट एक्सपेंसिव, जो कि इसको एक्सपेंसिव बना देते हैं, खर्चीला बना देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए प्लान हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपने बनाया और जब एज पर सिचुएशन जब इच्छा हुई जब उसे चेंज कर लिया। एक बार जो आपका प्लान बन गया उसे चेंज करने में कुछ इश्यूज आते हैं, कोई कई प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लान फ्लेक्सिबल तो होता है, पर इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं होता कि जब चाहो जब जैसा मोड़ दो, ऐसा नहीं होता। ये भी एक ड्रॉबैक ही है, ड्रॉबैक भी कहते हैं लिमिटेशंस को। नेक्स्ट बात करते हैं लैक ऑफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। देखिए क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर पर बेस्ड होता है, तो कई ऐसी जानकारियां जो हमें चाहिए होती है वो अवेलेबल नहीं हो पाती है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा किसी ने देखा थोड़ी ना है, ठीक है। हमारे पास थोड़ी टाइम मशीन है कि हम टाइम मशीन से जाकर हमने देख लिया फ्यूचर में ऐसा होगा, तो उस हिसाब से सारी चीज़ों को कर लें, ऐसा नहीं होता। इसीलिए क्या है कि प्लानिंग जो है कई बार सक्सेसफुल होने होते होते रह जाता है और सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, इसलिए जो है ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि इन्फॉर्मेशन की कमी होना। नेक्स्ट बात करते हैं इट डज़ नॉट गारंटी सक्सेस। ये तो हमारा एक मोस्ट कॉमन पॉइंट है कि प्लान की सक्सेसफुल हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये टोटली फ्यूचर पर बेस्ड है, और फ्यूचर में कब कौन सी प्रॉब्लम आ जाए, कब कौन सी अनसर्टेनिटी आ जाए, कब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाए, कब कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो जाए, इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि एक अच्छे जो प्लान है वो कभी भी सक्सेस हो जाएगा या नहीं होगा, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था इसमें, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग लिख दिया था मैंने, टाइपिंग मिस्टेक है ये, ठीक है। कभी कभी होता है टाइप करने में आपने किसी चीज़ कुछ प्लानिंग लिख रहे थे, कंट्रोलिंग लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग आएगा, ठीक है। ये आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने एकदम अभी ध्यान गया मेरा कि ये कंट्रोलिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लानिंग आएगा, PLANING, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक अच्छे प्लानिंग के अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए, ठीक है। एक अच्छे प्लानिंग के अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए, अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें नंबर वन है सिंपल, ठीक है। अब नंबर वन जो हमारा ये सिंपल है, इट मीन्स कि एक अच्छा प्लानिंग जो हो जितना हो सके सिंपल हो। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए पहले कीपैड फ़ोन चलते थे और अब टच स्क्रीन फ़ोन चलते हैं। आपको पता है अब टच स्क्रीन इतना फेमस क्यों हो गया कि कीपैड लगभग बंद ही हो गए, क्यों? क्योंकि इसे चलाना ज़्यादा सिंपल है, वहाँ बटन याद रखना पड़ता था, ये बटन, बैक बटन, ये यहाँ पे क्या है जो दिख रहा है, जैसे बैक दिख रहा है, बैक पे टच किया बैक हो गया, यहाँ पे सिलेक्ट पे टच किया सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे टू पर क्लिक किया टू दब गया, तो यहाँ ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। मतलब जो भी चीज़ आपकी ज़्यादा ईजी होती है, ठीक है, मोस्टली लोग उसे फॉलो करना पसंद करते हैं, तो इसीलिए अच्छी प्लानिंग सिंपल होगी तो सभी लोग उसे अडॉप्ट कर पाएंगे। दूसरी बात, एक अच्छी प्लानिंग में क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब उसका कुछ एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए जिसकी पूर्ति करना होना चाहिए। मतलब अगर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई प्लान किया जाएगा तो डेफिनेटली उस उद्देश्य के लिए काम किया जाएगा और वो उस उद्देश्य को प्राप्त किया जाएगा जिसके लिए
प्लानिंग बनाई गई है तो ये उसे प्रभावशाली बनाती है, किसको? प्लानिंग को। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब होता है कोई भी चीज़ को किफ़ायती तरीके से यूज़ करना, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब क्या है कि एक अच्छी प्लानिंग जो है बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए। या आपकी छोटी सी संस्था है, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है और प्लानिंग पे ही करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, तो फिर आपका बिजनेस कैसे चलेगा? मतलब प्लानिंग जितना हो सके कम से कम कॉस्ट में, सस्ते सस्ते में प्लानिंग हो जाए, ताकि बाकी चीज़ों में भी हम कॉस्ट कटिंग करके हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम रख सकें। नेक्स्ट जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए प्लानिंग, जो एक अच्छी प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जितना हो सके अगर फ्यूचर चेंज हुआ तो उस हिसाब से हम उसे चेंज कर सकें। नेक्स्ट जो है प्लानिंग फिजिबल होना चाहिए। फिजिबल वर्ड का मतलब होता है पॉसिबल होना, ठीक है। अब पॉसिबल कैसे होता क्या है, हम प्लानिंग तो इतनी बड़ी बड़ी कर लेते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा प्लानिंग नहीं होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि प्लान, ये दो वर्ड होते हैं, एक होता है आइडियलिस्टिक, एक होता है रियलिस्टिक। एक होता है आइडियलिस्टिक है ना, और एक होता है रियलिस्टिक। इन दोनों में फ़र्क क्या है? आइडियलिस्टिक मतलब सर सुबह 3 बजे उठ के 4 बजे उठकर पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। लेकिन पॉसिबिलिटी तो ये है कि सर मैं तो 8 बजे सो के ही उठता हूँ, फिर क्या करूँ मैं? तो देखिए मतलब जो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हो वो रियलिस्टिक, मतलब भले ही होना क्या चाहिए वो छोड़ो, कर क्या सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, उसे रियलिस्टिक कहते हैं। तो प्लानिंग रियलिस्टिक पर बेस्ड होना चाहिए, ना कि आइडियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो आदर्शवादी है उसको तो आप अडॉप्ट ही नहीं कर पाओगे, चला ही नहीं पाओगे, ठीक है। जो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बैठ रहा हो उसे हम रियलिस्टिक कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बढ़े आगे चलिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग, देखिए इनको भी देखते हैं हम। प्लानिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती है, उनको भी हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहला गोल्स। गोल्स मतलब होते हैं कि एक ये शॉर्ट टर्म के जो छोटे छोटे से गोल्स, मतलब होता है एक टाइप से लक्ष्य जिसे आपको अचीव करना होता है, ठीक है। जैसे छोटे छोटे से आपके गोल है कि यार मुझे इस महीने में 1 लाख का सेल करना है, ठीक है, या मुझे जो है इतना प्रॉफिट अर्निंग बनाना है, इतना टर्नओवर देना है, दैट इज़ कॉल्ड गोल्स। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव मतलब होता है पर्पस या उद्देश्य, ठीक है। आपने किस उद्देश्य से इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, किस उद्देश्य से इस चीज़ को काम कर रहे हैं, ये जो है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। गोल्स शॉर्ट टर्म के लिए होता है और आपका ऑब्जेक्टिव जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेटजीज। अब ये जो स्ट्रेटजी होते हैं, स्ट्रेटजी को हिंदी में कहते हैं रणनीति, मतलब आपने क्या किया कि किसी बिजनेस को चलाने के लिए आपने एक स्ट्रेटजी बनाई। स्ट्रेटजी बनाई से मतलब कैसे कि आपने कुछ ऐसा सेटअप किया कि यार हमारा कॉम्पिटिटर जो है इतने रुपए में ये प्रोडक्ट ऐसे बेच रहा है तो हम इससे कम में ऐसे बेच देंगे तो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे से बिकेगा, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट आता है पॉलिसीज। अब पॉलिसीज़ क्या होते हैं? पॉलिसी मतलब होते हैं कि कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स जो कि आपने बनाए, ठीक है, जिससे कि आपका और आपके एम्प्लॉयज़ दोनों का फ़ायदा हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिसी। मतलब एक टाइप से ये जनरल स्टेटमेंट होता है, सामान्य सा स्टेटमेंट होता है जो लोगों को गाइडलाइन देता है कि कैसे काम करना है, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिसी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब होता है कि एक पूरे की पूरी स्टेप लिखी हुई हो कि पहले ऐसा करें, फिर ऐसा करें, फिर ऐसा करें, फिर ऐसा करें, फिर ऐसा करें, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसीजर, ठीक है। मतलब एक सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट जिस इन विच प्रोसेस इज डिसाइडेड स्टेप बाय स्टेप, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसीजर। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोसीजर। नेक्स्ट आता है मेथड्स। अब मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स में आप ध्यान रखिएगा कि मेथड्स मतलब होता है किसी भी काम करने को तरीका, काम करने का तरीका। किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और जैसे तो कंपनी एक आपको पर्टिकुलर तरीका बताती है कि आप इस टाइप से कर सकते हैं, पर एम्प्लॉई अपने हिसाब से अपने मेथड्स में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो जो है कंपनी के बताए हुए तरीके से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें, इसलिए उनको इतनी तो छूट होती है कि वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रूल्स। रूल्स जो है एक स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट होता है, मतलब रूल्स जो है कुछ ऐसे कंपलसरी बने हुए कानून होते हैं, नियम होते हैं, जिन्हें कि आपको फॉलो करना ही होता है। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट होता है बजट। बजट को कहा जाता है एक टाइप से मॉनेटरी प्लान, मतलब फ्यूचर में आपको कितना पैसा खर्च करना है, कितना आपके पास कहाँ कहाँ से आने वाले सोर्सेस हैं कि कहाँ कहाँ से आपके पास पैसा आएगा, वो सब क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। नेक्स्ट में आते हैं हम, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट प्रोग्राम्स। अब प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम जो है छोटे छोटे प्लानों के बहुत सारा पूरा एक सेटअप होता है। मतलब कैसा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये अचीव करना है कि आपके एक पर्टिकुलर ब्रांच में कम से कम 25 एम्प्लॉई हो जाएं, फिर वहाँ पे क्या हो आपको टर्नओवर जो है 1 लाख हो जाए, फिर आपका छोटा सा गोल ये है कि यहाँ पर
प्रॉफिट अपने को 50,000 बचने लग जाए, फिर अपने को ये है कि इसी की एक पर्टिकुलर एक और यूनिट खोल लें, ऐसा छोटे छोटे से गोल्स को हम कहते हैं प्रोग्राम्स। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। इन्हें हम देखिए क्या क्या कह सकते हैं, इन्हें हम कंपोनेंट्स या टाइप्स दोनों कह सकते हैं, प्लानिंग के कंपोनेंट्स या प्लानिंग के टाइप्स। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। फिर भी कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको बिल्कुल आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, दैट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉलिसी एंड रूल्स। पॉलिसी और रूल्स के बीच में डिफरेंस कई बार आया हुआ है, इनको देख लेते हैं हम। तो ये पॉलिसी मैंने आपको बताया था कि एक जनरल स्टेटमेंट होता है जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग को गाइड करता है कि आपको डिसीजन किस हिसाब से लेना है, इस हिसाब से लेना है कि किसी और कंडीशन के आधार पर लेना है, वो सब आपको पॉलिसी बताती है। जबकि रूल्स, रूल जो है एक स्पेसिफिक स्पेशल स्टेटमेंट होता है जो हमें बताता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड रूल। मतलब आपने देखा होगा ना, डूज डोंट्स लिखा रहता है, डूज मतलब क्या क्या कर सकते हैं, डोंट्स मतलब क्या क्या नहीं कर सकते हैं, वो रूल्स होते हैं। अच्छा, मैनेजरियल लेवल की बात करें तो पॉलिसी जो है हायर लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सभी के लिए, सभी को गाइड करती है। लेकिन जो रूल्स होते हैं, रूल्स सिर्फ मिडिल और लोअर लेवल के लिए ही बनाए जाते हैं, क्योंकि हाई लेवल अथॉरिटी तो खुद रूल बनाती है, तो उनके लिए तो कुछ ऐसा होता नहीं है। ये मिडिल लेवल और लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए, काम करने के लिए होते हैं। डायरेक्शन की बात करें तो ये एक टाइप से डायरेक्शन डिसीजन होता है, सॉरी ये डायरेक्शन नहीं, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये डिसीजन है, DECISION। ठीक है, ये डिसीजन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप कि ये जो है एक टाइप से डायरेक्शन डिसीजन होता है, जबकि रूल्स जो है एक टाइप से वर्क डिसीजन होता है। डायरेक्शन डिसीजन बोले तो काम को कैसे करना है उससे रिलेटेड, और आपका वर्क डिसीजन बोले तो इस काम में आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, कंपल्सन की बात करें तो पॉलिसी 100% फॉलो हो ऐसा कंपलसरी नहीं होता, लेकिन रूल्स 100% कंपलसरी होता है फॉलो करना, क्योंकि अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आपको जो है पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, तो पॉलिसी थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, इनमें एज पर सिचुएशन चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन रूल्स जो है फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं और इनको अगर कोई व्यक्ति फॉलो नहीं करता है तो उसको पेनल्टी पे भरना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रूल्स एंड मेथड्स। ठीक है, इसको देखते हैं हम। अब रूल्स जो है वही हमने ऊपर जैसा देखा था कि एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है जो हमें बताता है कि आप पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। और मेथड्स की बात करें तो मेथड्स आर द फॉर्मलाइज्ड वे ऑफ एकम्प्लिशिंग एंड रिपीटेटिव एंड रूटीन जॉब्स। मतलब क्या होता है कि मेथड्स ऐसे वे होते हैं, ऐसे तरीके होते हैं जिनसे कि आप किसी पर्टिकुलर काम को कर सकते हो। ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेथड्स कहते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो रूल्स का मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य होता है डिसिप्लिन मेंटेन करना, लेकिन मेथड्स का मुख्य उद्देश्य होता है इफिशियंट वे में बेहतर तरीके से काम करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, तो रूल्स मैंने बताया था फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, नियम कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, लेकिन मेथड्स जो है फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके काम कर सकते हैं। रिलेशन की बात करें तो प्लान रूल्स जो है डायरेक्टली कंट्रोलिंग से रिलेटेड होता है, मतलब अगर जितने इंपॉर्टेंट आपके, जितने स्ट्रिक्ट आपके रूल होंगे उतना अच्छा आपका अपनी कंपनी पर, अपने ऑर्गेनाइजेशन पर, अपने एम्प्लॉयज़ पर पकड़ होगी, कंट्रोल होगा। ठीक है, लेकिन मेथड जो है ये कंट्रोल से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है, इनडायरेक्टली रिलेटेड होता हो बाकी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपल्सन की, तो रूल्स को फॉलो करना कंपल्सरी होता है जबकि मेथड्स को फॉलो करना इसे कंपलसरी नहीं होता। आप अपने मेथड से काम करें, अपने तरीके से काम करें, ठीक है, लेकिन आप अपना बेस्ट दें। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल चैप्टर नंबर 4 था, अगर आपको इसमें कोई सी भी कन्फ्यूजन हो। अच्छा, ये PDF के नाम में भी एक छोटा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, चैप्टर नंबर 4 है ये, है ना, चैप्टर नंबर 14 लिखा गया है यहाँ पर, चैप्टर नंबर 4 है ये। ठीक है, बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शॉर्ट आउट ऑल योर डाउट्स। ठीक है, और इस टाइप के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।